बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सरदार आबद शाहीन, फिल्म रिश्तों की जंजीर के प्रोड्यूसर की हैसियत से चंद गुजारशात आपकी नज़र करना जरूरी समझता हूँ। मैं ये दावा हरगिज़ नहीं कर सकता कि फिल्म रिश्तों की जंजीर फनी और तारीखी एतबार से एक बेमिसाल फिल्म है। ये फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि फिल्मी दुनिया में ये कश्मीरियों की तरफ से पहली पेशकश है। इससे पहले पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर के पस मंजर पर बहुत सी फिल्में और ड्रामे दिखाए, लेकिन बदकिस्मती से खाक और खून की जिंदा कहानी बनने वाले कश्मीरियों ने सदियों में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई जो दुनिया में उनकी अपनी आवाज तसव्वुर की जाती। सो हमने ये कोशिश की है कि मुतनाज़ तारीखी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर के दोनों हिस्सों के तारीखी रिश्तों को उजागर किया जाए। सियासी एतबार से गुज़श्ता 65 बरसों में किसी भी कश्मीरी रहनुमा को ये तौफीक न हो सकी कि कश्मीरी कल्चर और सकाफत को तहरीक आज़ादी की ताकत बनाता। जमाना गवाह है कि जिस तहरीक की पुश्त पर सैकड़ों शायर, अदीब, अफसाना नगार और कहानी नवीस न हों, और जो तहरीक अपनी सकाफत और कल्चर से महरूम हो, वो कभी भी कौमी आज़ादी की तहरीक नहीं बन सकती। हमारा तसव्वुर यह है कि कश्मीरियों को पहले एक कौम बनने की जरूरत है, एक ऐसी कौम जिसका अपना कौमी विरसा हो, अपनी तहजीब और अपनी शिनाख्त हो, और जिसके सामने अपने ही हीरोज की लाइन ऑफ एक्शन हो। फिल्म रिश्तों की जंजीर हमने इंतहाई महदूद वसाइल में बनाई है। हमारे पास वाफर वसाइल, तजर्बा और स्टूडियोज मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमने बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया और फिल्म नाज़रीन के सामने नवाज के लिए पेश कर दी। इस फिल्म में डायरेक्टर, राइटर और तमाम फनकारों ने इंतहाई सर्द मौसम में दिन और रात काम किया और इंतहाई मेहनत से अपना अपना किरदार निभाया। इस तावन के लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। इसके साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि बिलखसूस आजाद कश्मीर दर में मुख्तलिफ शहरों में इस पूरी टीम के साथ किया, जिसमें मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, नीलम, कोटली, सुदनोती बाग और बिम्बर गया, और मैं आजाद कश्मीर की पूरी इंतजामिया का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बे इंतहा तावन किया। अल्लाह हाफिज। खाना जरूर खाएंगे बेटी। सियासत उन कौमों को मिटा देती है। मुस्लिम आवाम को तो हरी सिंह की फौजों से लड़ना चाहिए। वो हमारे कदमों के निशान देख के आ रहे हैं। तुम बच्ची को लेके इस रास्ते पे निकल जाओ। वैसले की ये अंधेर नगरी है, यहाँ सैकड़ों रोजाना मारे जाते हैं। वो राधा आज भी जिंदा है। तुम जानते हो तुम्हारी माँ कौन थी और कहाँ से आई थी? अब सीधी तरह हमरे साथ चल। वो फिर भी तुम पे अटैक कर सकता है। मुझे जाते ही गोली मार दी जाएगी। मैं आजाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, वापसी का इरादा भी रखता हूँ। हमारा वतन तुम्हारा वतन, हमारा वतन तुम्हारा वतन। कैसा इंतकाम? उस जहालत से और गुलामी की उन जंजीरों से। अनोखी यहाँ है गुलामी आजादी, अनोखी यहाँ है गुलामी आजादी। Thank you.
पता नहीं मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। मेरे बाद कहीं और घर बसा लिया होगा। दिल रोता है तो रोते न सारे। मेरी बेगुनाही के लिए वो पुलिस से लड़नी पड़ी थी। तुम्हारी माँ को दफना दिया जाए या जला दिया जाए, उसे मर जाना चाहिए। राधा, तुम्हें उसे डर नहीं लगता? क्यों, डर किस बात का? क्या मैं करूं जब दिल के पुकारे वापिस आ मेरे जीवन सहारे। और खुद अभी तक हिंदू और मुसलमान के चक्कर में कैसे फंसे हुए हो? ये फासले आदमी आएंगे हम फिर से जश्न मनाएंगे हम। दुनिया का कोई डॉक्टर खून देखकर ये साबित नहीं कर सकता ये किसी मुसलमान का खून है या किसी हिंदू का। कौन सी आजादी, भारत की आजादी या फिर कश्मीर की आजादी की? मेरी माँ को अभी तक इस बात पर फख्र है कि वो ऊंची जात के पंडित और ब्राह्मणों की औलाद है। आजादी आजादी आजादी, सारे महफ़ज एक जैसे नहीं होते। और मेरी टांग में गोली मार के चले गए। रिश्तों की रंजी। आजादी की जंग किसी कबीले या मसलक की नहीं होती, लेकिन मैं आंटी से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हूँ और उनकी वजह से आपके साथ थी। जानम उल्फत यूं ही छलकाती रहो, दुआ मेरी सदा मुस्कुराती रहो। आज तुमने मुझे अपना गर्विदा कर दिया। राम 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 राम। मुझे तुझे कोई खतरा महसूस हो रहा है? अल्लाह इसका अजर देगा आपको। कितना अमन और सुकून था हमारे वतन में। ये जमीन खुशबू और फूलों की जमीन है, ये जमीन मोहब्बत के असूलों की जमीन है। दरिया जेलम और किशन गंगा उसी शान से बह रहे। अपनी धरती चांदी सोना न करे कोई बर्बाद कश्मीर। पूछो क्या बात है? ऐसे लगता है सर पे आपने किश्ती उल्टी की हुई है। और ये मेरा हक है, मैं किस मजहब में रह के जिंदगी गुजारूं? और जो नौकर नहीं है उनको तलाक हो जाएगी। मेरा अंजन, मेरा बच्चा।